महीने के तीसरे दिन यानी कि आज भी अनाज मंडियों में किसानों की जमकर बेइज्जती हुई और उनकी फसल की भी बेकदरी हुई। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अनाज मंडियों में प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। जो भी ट्रॉली अंदर गई उसे कच्ची पर्ची देकर भेज दिया गया। गेट पास ना काटे जाने पर किसानों में काफी रोष था, इसको लेकर उन्होंने हंगामा भी किया। किसानों के रोष को देखते हुए मार्केट कमेटी, प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एक घंटा बीतने के बाद भी किसानों का समाधान नहीं हुआ। मंडी के गेट पर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें लग गई। किसानों का कहना है कि जब सरकार ने 3 अक्टूबर से धान की खरीद की घोषणा की थी तो उन्हें गेट पास क्यों नहीं दिया जा रहा, कच्ची पर्ची से उनकी धान को प्राइवेट में खरीदा जाएगा, ऐसे में किसान को काफी नुकसान होगा। किसानों ने प्रशासन व पुलिस से गेट पास कटवाने की गुहार लगाई। किसान ने बताया कि वो सुबह 5 बजे से अनाज मंडी में अपनी धान लेकर पहुंच गया था, लेकिन यहां पर उसका गेट पास नहीं काटा गया। मार्केट कमेटी प्रशासन की तरफ से आए अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 1 अक्टूबर को धान खरीद का शेड्यूल जारी किया था, जिनका मैसेज किसानों पर पहुंचा है, वो आज धान की फसल लेकर आ सकते हैं। 3 का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, आगे का शेड्यूल लगातार जारी कर दिया जाएगा। किसान खुद भी पोर्टल पर जाकर अपना शेड्यूल तैयार कर सकता है। बात साफ है, गेट पास की समस्या मंडी में कई दिन देखने को मिल सकती है। कच्ची पर्ची देते हैं गेट पास की, पक्का गेट पास नहीं दे रहे हैं, 8 दिन मना कर रहे हैं, बोले भाई पक्का गेट पास लेके आओ, जब खाली करेंगे इनको जब माल बिकेगा। बोले कच्ची पर को ये उसमें पक्के में चढ़ाने के नहीं तो कैसे हम इसको बेचेंगे, कैसे वो करोगे? तो कच्चे पक्के में क्या फर्क है? कच्चे पक्के का ये गेट पास पक्का चाहिए, जब सरकारी बोली चालू होगी तो पक्का गेट पास दो ना। कच्ची देगा 1700 मांगना है उसमें, 8 दिन करें भाई गेट पास लेके आओ तब खाली करवाएंगे, नहीं ऐसे नहीं खाली करवाएंगे। कच्ची पर्ची कोई नहीं है, बोले तुम तो यही परेशानी है जी बस, जो सरकार की बता रही है। तो कई 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 लोग लेके आए हुए हैं, अलग अलग गांवों से लेकर आए हैं। हाँ परसों भी लेके आए थे हम, परसों गेट पास दे दिया था, परसों तो नहीं बताया मैसेज चढ़वाओ ये करो, क्या रेट में बिकी, परसों भी की नहीं, वो तो बड़ी है अभी, लेकिन उसका गेट पास मिल गया, उसका गेट पास मिल गया। चलो कमेटी द्वारा जो फार्मर अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेके आ रहे हैं, सरकार के हिदायतों अनुसार जिन फार्मरों को शेड्यूल जारी किया हुआ है 1 तारीख का, वो उनके पास मैसेज गए हैं, वो अपनी फसल लेकर आए और उनको जो है ना सरकारी खरीद पोर्टल से गेट पास दिए जा रहे हैं। तो गेट पास किन किन तारीख वालों को मिल रहा है सर? अभी जिनका शेड्यूल 1 तारीख को था उनको आज जारी किए जा रहे हैं, और जिनका 2 और 3 तारीख को था, 2 तारीख का अभी कोई शेड्यूल, 3 तारीख का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, वो 1 वाले आज ला सकते हैं, उनके पास मैसेज गए हैं आप 3 को ले आओ, आज तक का हम जारी कर रहे हैं। तो जो जिनके पास मैसेज ही नहीं आया उनके लिए क्या समस्या और क्या समाधान? जिनके पास मैसेज नहीं है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना शेड्यूल के लिए जो है ना अपना डेट फिक्स कर ले, तब तक उनकी सुविधा के लिए वो लाइन में ना लगे, हम ई नेम पोर्टल से उनको गेट पास जारी कर देंगे और जैसे ही वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे सरकारी शेड्यूल के लिए तब उनको दूसरा पास गेट पास देके और उनकी जीरी सरकार खरीद लेगी। पोर्टल पे तो इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन उसके लिए कैसे रजिस्टर होगा? ई खरीद पोर्टल पर जाकर और किसान अपनी सुविधा अनुसार किस डेट को उसने मंडी में अपनी फसल लानी है वो अपनी डेट फिक्स कर सकता है, उसी के हिसाब से उसके पास मैसेज आएगा और हमारे जो कर्मचारी यहाँ बैठे वो मैसेज देके उसको गेट पास जारी कर देंगे। असि 3 किलियां जीरी लेके आए हैं, पोर्टल करवाया मैसेज तो किसी आए को नहीं, ये कोई दिन थोड़ी है जीरी, 1 दिन 2 दिन खड़ी रहेगी अग लग जाएगी, नाश कर छड़िया सरकार ने, इन्हें दुखी सरकार ने सानू किया ना जी, बिलकुल मजाक बनाया इन्होंने। कोई भी फसल लेके आओ पहलू 2-2 घंटे लाइन च खड़े रहो, ए नहीं आंदे सर विक जानी है, पहलू भी साडी फसल विकती है जदों दी सरकार आई है, सानू लेना जाके 4-4 घंटे इत्थे खड़े होना पैंदा, सवेरे 5 बजे दे ट्राली लेके आए हैं जी, हुण जद सरकारी खरीद अज तो शुरू हो गई, गेट पास क्यों नहीं कटदे पे जी साडा? तो क्या क्या कह रहे थे कि यहां से जाने के लिए क्या कौन सा गेट पास? उन्होंने भी कच्चा गेट पास तुहाडा कट देने आ, असीं कट्टे के कच्चे गेट पास ते असीं जीरी गेर के चले जाने आ, कल नूं साडी सरकारी रेट थोड़ा बिकेगी ते साडी 1500 दे हिसाब नाल तोल देणगे, जबकि जो सरकारी रेट सरकारी खरीद अज तो चालू हो गई सानू तो रेट मिलना चाहिए ना जी, सरकार ने तो फड़ के जिमीदार बिल्कुल खत्म कर छड़ी है जी, नाश कर छड़िया जिमीदारा का जी। हाँ जी आप उन्होंने ये कहा भीड़ खत्म करो यहाँ से, कच्ची पर्ची ले और भीतर जाओ, हम कच्ची पर्ची नहीं लेंगे, जब सरकारी बोली चालू है हम कच्ची पर्ची क्यों ले, गेट पास कच्चा क्यों ले, में हमारे को पक्का गेट काट के दो तब ट्राली छेड़ेंगे, हम नहीं छेड़ते ट्राली, तो पक्का गेट पास क्यों नहीं दे रहे? मैसेज नहीं आया, मैसेज गेहूं का मैसेज होता है, जीरी का मैसेज थोड़ी होता है, गेहूं तो स्टॉक भी हो जाती है, ये इसमें आग नहीं लग जाएगी जीरी में, ये सरकार क्या कर रही है हमारे को, तो किसानों को तंग लग रही है।
आपने मैसेज जाएगा तो जीरी बिकेगी, तो जो जीरी कटी पड़ी है आज पर ट्रालियां खड़ी हैं, एक ट्रॉली में से दूसरी ट्रॉली कहाँ जाएंगी, उसकी मैं आग नहीं लग जाएगी जीरी के अंदर? मैसेज वाला तो काम ही नहीं चल रहा, मैसेज वाला ये काम नहीं चलता, ये क्यों नहीं आया? जिसको चार दिन रोक लेंगे या आठ दिन रोक लेंगे, ये जीरी है एक रात नहीं रुकती है, एक रात नहीं रुकती है, समझे? इनको रेंडमो का क्या पता है कैसे काम होता है, कैसे धान होता है, ये किसानों को पता है चीज का। अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, काम जो है गुस्से में करना पड़ता है, दुनिया दुखी भी सर रहा थी, उजड़ी जाएगा आदमी क्या रहेगा, क्या करेंगे? और जब आप ही लेके आए हैं धान, हाँ धान लेके आ रहे हैं, जब आदमी उजड़ी जाएगा तो क्या करेगा? जीरी तो एक दिन भी नहीं रुकती, कर गेहूं तो आदमी रोक लेता है, अभी दो दिन सूखने लग जाती है, सूखने नहीं कुछ नहीं मिलता उसका, बिल्कुल जीरो हो जाती है, जीरो बोलेगा मोचर नहीं इसके अंदर, ये फूक जाएगी जीरी, इसमें आग जल लग जाएगी एकदम जीरी के अंदर, गर्म हो जाएगी, तो कैसे रोके इसको बताओ? एक जिमीदार के कंपेन लग गई तो उसके 10 किले हैं, तो 10 किले एकड़ काट के तो निकलेगी बाहर, वो तो एक ट्रॉली का ये देंगे इनको काट के बिल, और बाकी कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी?